Thank you for calling Phi. Please give us a few moments so we can find the right person from our Phi care team to help you out. Also, we may record this call as it helps us get better at assisting you. If you're calling to report any fraudulent activity, please press 1. If you have questions about our referral program, please press 2. For any other questions, please continue to hold. Our Phi care colleague will be with you soon. Good morning. Welcome to Phi care. This is Kasturi. How can I help you? Good morning, ma'am. Can you speak in Hindi for better communication? जी सर, जरूर बताइए। जी मैम, मुझे जानना है FIT रूल्स क्या है, क्योंकि बहुत दिनों से मैं सुन रहा हूँ अकाउंट को जब से ओपन करा है, एप्लीकेशन को भी कभी कभी ओपन करता हूँ तो दिखता है FIT रूल्स वगैरह, तो उसको इन शॉर्ट अगर मैं जानना चाहूँ तो कैसे जानूँ, आप बता दें प्लीज़। ऑलराइट, जी मैं बता दे रही हूँ। ओके, तो बेसिकली जो फिट रूल्स आपको शो होते हैं आपके एप्लीकेशन में, उसके मुताबिक आप लाइक कुछ सेविंग्स कर सकते हैं। ओके, उसमें कुछ ऐसे सेविंग्स इन्वेस्टमेंट प्लान्स आएंगे, जैसे कि मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो एक्टिव रूल्स, वीकली सीप, प्री एम्प्टिव नोटिफिकेशन, ऐसा करके आपको फिट रूल्स शो हो जाएंगे आपके एप्लीकेशन। तो अगर आप उसे चूज करते हैं, क्लिक कर सकते हैं, तो क्लिक करने के बाद, सिलेक्ट करने के बाद जो भी एग्जिस्टिंग फिट रूल्स है उसमें अगर अमाउंट दिया जाए, मान लीजिए 100 रुपए का एक अमाउंट दिया गया है, ठीक है, तो अगर आप चूज करते हैं तो मंथली बेसिस पे उस फिट रूल पे जितने दिन वो फिट रूल एक्टिव रहेगा, वो फिट रूल एक्टिव होने के बाद आपका ये जो इन्वेस्टमेंट है आपके अकाउंट से करंट बैलेंस से ऑटोमेटिक सेव हो जाएगा आपके फिट रूल्स पे, और ये ऑटोमेटेड सेविंग्स हो जाएगा। जब इसका टेन्योर खत्म हो जाएगा तो ये आपके अकाउंट में वापस कर दिया जाएगा एज ए सेविंग्स। आप मिनिमम सेविंग्स कर सकते हैं आपके अकाउंट में एज ए माइक्रो इन्वेस्टमेंट, ठीक है। आप अगर छोटा मोटा कोई इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं तो ऑटोमेटिकली आप यहाँ से सिलेक्ट करते करेंगे अगर, तो एप्लीकेशन की मदद से ऑटोमेटिक आपके करंट बैलेंस से ये अमाउंट उठा के वो छोटा छोटा करके अमाउंट जमा हो जाएगा वहाँ पे फिट रूल्स। अच्छा अच्छा, ये आप एवरी डे बेसिस कर सकते हैं, एवरी मंथ बेसिस कर सकते हैं, एवरी वीक बेसिस कर सकते हैं। बेसिकली ये इन्वेस्टमेंट वाला प्लान है क्या? जी हाँ, माइक्रो इन्वेस्टमेंट अगर आप करते हैं तो उसमें आप कर सकते हैं, वीकली बेसिस, मंथली बेसिस आप कर सकते हैं। मेरे को लगा रूल्स है तो शायद कुछ नियम कानून होंगे, इसलिए मैं पूछा आपको। नहीं नहीं, नियम कानून नहीं, जैसे कि मान लीजिए अगर आप मान लेते हैं एवरी टाइम अगर आप जोमेटो से फूड ऑर्डर करते हैं, ठीक है, तो आप उसमें एक रूल अगर सिलेक्ट करके रखते हैं कि आप अगर जब भी आप जोमेटो से कोई ऑर्डर करेंगे तो आपके अकाउंट से 5 रुपए करके सेव कर दिया जाए। अच्छा। तो ऐसे करके मिनिमम एक छोटा मोटा जो सेविंग्स होता है वो सेविंग्स किया जाता है, वो आप भी टेन्योर सेट किया जाता है, वो एक्टिव रूल जब तक इनएक्टिव हो जाएगा उसके बाद अमाउंट आपके दूसरे अकाउंट में वापस कर दिया जाएगा। अच्छा अच्छा, यानी कि सेविंग हम कर सकते हैं FIT रूल के जरिए। जी, जब तक रूल एक्टिवेट होता है तब तक आपका ये अमाउंट सेव हो जाएगा, जब ये इनएक्टिव हो जाएगा तब ये अमाउंट्स आपके अकाउंट में वापस आ जाएंगे। ओके ओके, थैंक यू सो मच मैम, आपने बहुत सारी जानकारी हमें दी है, जो मुझे डाउट था आपने क्लियर कर दिया है। ऑलराइट, और कुछ जानकारी देके मैं आपकी मदद कर सकती हूँ? नो मैम, थैंक यू सो मच, आपने बहुत सारी जानकारियाँ दी हैं हमें। ठीक है, धन्यवाद सर, आई केयर पे कॉल करने के लिए शुक्रिया, आपका दिन शुभ रहे।